अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है रोडोफाइसी पे। तो इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे एल्गी की, जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, फियोफाइसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, एंड कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी देखी। और फिर आती है तीसरी जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है रोडोफाइसी। देखो जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स थे उनको ग्रीन एल्गी कहा जाता था क्योंकि वो दिखने में ग्रीन थे। फियोफाइसी के मेंबर्स को कहा जाता था ब्राउन एल्गी क्योंकि वो ब्राउन थे दिखने में, और इनको कहा जाता है रेड एल्गी क्योंकि ये दिखने में क्या है, रेड इन कलर। तो अब हम इनके जो है वन बाय वन के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उनकी हैबिट की बात करेंगे कि ये रहते कहाँ पे है, तो ये 98% जो है वो मैराइन है। क्या है? 98% जो है वो है मैराइन, मतलब खारे पानी में रहते हैं, मतलब नमकीन पानी में जिसमें सॉल्ट होता है उसमें उसमें ये होते हैं प्रेजेंट। एंड जो 2% है वो फ्रेश वाटर में होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि देखो 2% से फ्रेश वाटर का है, दैट मीन्स कोई आपको एक एग्जाम्पल याद रखनी है एक दो जो पूछी जा सकती है। तो बेट्राकोस्पर्मा, एक ऐसी रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी एल्गी जो है वो जो कि फ्रेश वाटर है, कौन सी रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर है, वो कौन सी है? बेट्राकोस्पर्मा। हो गई इसकी हैबिट, हैबिट की बात हो गई। फिर अगर हम देखते हैं कि जो रेड एल्गी है ये कितनी स्पीशीज है इसकी, तो इसके लगभग 5000 जो है, अराउंड 5000 स्पीशीज है इसकी। और ये भी हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी में था क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, फियोफाइसी में था क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, एंड यहाँ पे जो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब जो क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट है तो फिर क्यों इसका कलर ग्रीन नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो दब जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलिन। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइकोबिलिन। तो क्लोरोफिल अलग हुआ, फाइकोबिलिन अलग हुआ। फाइकोबिलिन कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आर फाइको एरिथ्रिन, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव फाइको साइनिंग। फाइको एरिथ्रिन, देखो जब भी वर्ड एरिथ्रिन आता है दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एसोसिएट होता है रेड इन कलर में, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। फिर होता है आर फाइको साइनिन, दैट मीन्स कि इनके अंदर ग्रीन ब्लू कलर का जो पिगमेंट भी प्रेजेंट है। तो वो बोलोगे कि ब्लू कलर फिर नजर क्यों नहीं आता, वो इसलिए नजर नहीं आता, आता है नजर, नजर आता है, मतलब कुछ मेंबर्स जो हैं इस एल्गी के वो ब्लू इन कलर हैं। ऐसा नहीं है कि सब के सब जो हैं वो रेड इन कलर हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं वो ब्लू इन कलर हैं। ये याद तक हो गया, इन दोनों के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है, ये याद आपको रखना है। और भी कैरोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, देखो ये जो है जहाँ पे वार्मर रीजन होता है पानी का वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, कहाँ पे? वार्मर रीजन पे, ठीक है। क्योंकि रेड जो होता है ना वो हमेशा एसोसिएट होता है वार्मनेस, जब कभी आप फायर देखते हो उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, या कभी आप देखते हो कोई लोहा जो है वो गर्म हो गया होता है उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो रेड जो है वो एसोसिएट होता है किसके साथ? हीट के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक और चीज जो है, देखो ये जो मैंने आपको कहा कि कुछ एल्गी जो है, कुछ रेड एल्गी जो है वो रेड इन कलर है, कुछ जो है वो ब्लू इन कलर है, क्योंकि इनके अंदर फाइकोसाइनिन भी प्रेजेंट है। तो जब पानी में अगर हम देखेंगे काफी डेप्थ में जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं वो एल्गी जिनका कलर रेड होता है, और सरफेस पे आप वो एल्गी देखोगे जिनका ब्लू कलर होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये चीज याद रखो। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इसका साइज एंड शेप के बारे में देखते हैं। देखो फियोफाइट्स पे हमने देखा था कि जो एल्गी है
वो काफी हाइट जो है अटेन करती, काफी मीटर्स तक जो है ग्रो होती, जिनको केल्प्स कहा जाता है, काफी 100 100 मीटर तक। बट यहाँ पे ऐसा ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे जो है उतना उतनी हाइट्स में नहीं जाती है, ठीक है यहाँ तक। अब कौन सा एक दूसरा, अब कौन से बाकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हम रह रहे हैं वो है सेल वॉल की कंपोजिशन। तो क्लोरोफाइट्स में भी हमने देखा था क्या कंपोजिशन है, फ्योफाइट्स में भी देखा था, रोटोफाइट्स में जो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है। देखो जो इनर वॉल है वो होती है सेल्यूलोजिक, क्या होती है सेल्यूलोजिक होती है, एंड जो आउटर वॉल होती है वो होती है पैक्टिक, ठीक है। लेकिन इसकी जो आउटर वॉल है इसमें प्रेजेंट होता है एक जेलेटिनियस सब्सटेंस जिसको कहते हैं, जो कि बना होता है किसका, अगार अगार का, कैराजिनियंस का, ये इसमें सब्सटेंस होता है, ठीक है, समझो आप जेली टाइप्स वो कंपोजिशन है जिसको अगार अगार कहते हैं। अगार अगार का नाम हमने सुना होगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड क्या होता है कैराजिनियंस। देखो जब हम रेड एल्गी की इम्पोर्टेंस देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी अगार अगार किस में यूज होता है, कैराजिनियंस किस में यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, सेल वॉल आपको समझ में आया इसकी कंपोजिशन, कि जो इनर वॉल है वो सेल्यूलोजिक होती है, एंड जो आउटर वॉल है वो क्या होती है पैक्टिक होती है, एंड जो आउटर पैक्टिक वॉल है वो एक जेलेटिनस सब्सटेंस की उसमें कंपोजिशन होती है जिसमें अगार अगार कैराजिनिन प्रेजेंट है। यहाँ तक हो गया सेल वॉल। एंड अब हम देखते हैं कि ये जो रेड एल्गी है ये फूड किस टाइप का स्टोर करते हैं, ठीक है, तो ये स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या स्टोर करते हैं ये, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो अब हम देखते हैं कि जो रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन क्या होती थी, वो जो रिप्रोडक्शन एल्गी जो है एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं चीज़ों को थोड़ा एलोबरेट करूँगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताऊँगी कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देखो रिप्रोडक्शन जैसे क्लोरोफाइसी में, फ्योफाइसी में हमने देखी थी तीन टाइप्स की, वैसे ही इसमें भी तीन टाइप्स की है, वेजिटेटिव, एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है उसमें, लेकिन एक बात जो है, जो रेड एल्गी में जो यूनिसेलुलर वाले जो एल्गी है वो करते हैं वेजिटेटिव, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीडियम से वो जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड सेकंड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, वहाँ पे एक पेरेंट जो है उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और वही ग्रो होंगे और वही आगे जाके एक अलग ही प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो उसमें भी अलग अलग टाइप से स्पोर्स, जैसे हमने जू स्पोर्स पढ़े थे क्लोरोफाइसी में, वैसे ही रेड एल्गी में क्या बनते हैं, रेड एल्गी में बनते हैं मोनोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स बनते हैं, बायस्पोर्स बनते हैं, टेट्रास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। वो ये जब रिप्रोडक्शन का टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एसेक्सुअल में जो स्पोर्स बनते हैं उनके क्या क्या नाम है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये एडवांस टाइप की है, मतलब कि इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे रेड एल्गी में ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है, चाहे वो एसेक्चुअल स्पोर्स बना रहे हैं या फिर सेक्चुअली स्पोर्स बना रहे हैं, कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जिसमें मोटाइल जो है स्टेज है कोई, मतलब कि इनमें फिलामेंट्स नहीं है। जैसे हमने क्लोरोफाइसी में देखा, फियोफाइसी में देखा कि किस तरह से जो है स्पोर्ट्स के फ्लैजला होते हैं एंड वो उन्हीं फ्लैजला की हेल्प से जो है आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन इस केस में रेड एल्गी में नो जो है नॉन फ्लैजलेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी एल्गी ऐसी जिसमें कोई भी जो है मोटाइल स्पोर नहीं है, तो वो है रेड एल्गी में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूज होने के बाद जो है वो फिर आगे जाके जायगोट बनाते हैं, तो आगे जाके फिर प्लांट बॉडी बनती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो इन जो स्ट्रक्चर है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर जो है क्या बन रही है, मेल गैमेट्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटेंजियम, ठीक है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, मेल गैमेट्स। एंड फिर आता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको बोलते हैं कार्पोगोनियम। तो इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट। देखो स्पर्मेटोजियम, जियम मीन्स कि एक एक मेल सेक्स ऑर्गन।
अगर मैं कहूँगी स्पर्मेटेंट या दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म, मतलब बहुत सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो वैसे कार्पोगोनियम सिंगुलर फॉर्म है एंड कार्पोगोनिया प्लूरल फॉर्म है, तो ये जो है आपस में फ्यूज हो जाएंगे फिर। तो उसके बाद जो है फिर क्या बोलते हैं इसको, इसमें हैप्लॉइडिक फेज भी आता है, डिप्लॉइडिक फेज भी आता है। हैप्लॉइडिक मतलब कि जो बॉडी की जो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हर जो एल्गी जो है इनकी बॉडी के अंदर दो फेज आते हैं, कभी हैप्लॉइड रहते हैं फिर डिप्लॉइड हो जाते हैं फिर हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में है, हमारा एक स्टेज हम आता है जब हम फर्टिलाइज हुए थे, दो सेल आके फर्टिलाइज हुए थे, तो उससे पहले हम एक हैप्लॉइड थे, ठीक है, हम जो है हम डिप्लॉइड हैं, ठीक है, तो हम दो सेल्स के फ्यूज होने से ही बने हैं। तो उस स्टेज पे भी कोई एक टाइम था जब हम हैप्लॉइड थे, ठीक है, वो फ्यूज होके फिर हम डिप्लॉइड बने। तो वैसे एल्गी में जो है, लेकिन एक बात है कि हैप्लॉइड जो हमारी जो स्टेज है वो काफ़ी टाइम तक नहीं रहती, बट एल्गी में क्या होता है कि कुछ एल्गी में जो हैप्लॉइडिक स्टेज है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, फिर स्पोरोफाइट में होती। तो वो मैं आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल अभी जो है जनरल मैंने आपको पढ़ाया रेड एल्गी का कि क्या होता है, किस तरह से कहाँ पे मैराइन होते हैं ये, एंड क्या क्या इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फाइगोरेथ्रिन, फाइगोसाइनिन एंड फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है, द फूड दे स्टोर दैट इज फ्लोरिडिन स्टार्च, एंड द कंपोजिशन ऑफ दियर सेल वॉल दैट इज द इनर सेलुलोजिक आउटर पेप्टिक, एंड उसके साथ क्या है, अगर हरान है, कैराजिनिन है, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैं, वो भी अलग अलग सेपरेट से जो है टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड